हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल गुड एंड सेफ और मजे कर रहे होंगे। मैं भी मजे कर रहा हूँ ससुराल में, मजे आ रहे हैं। एंड आज घर वापस जाने का सीन है, वो भी ट्रेन से। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा मैंने अभी बताया था ना आपको कि अगर मैं बस से गया और आई गेस अगर मेरे को ट्रेन का वापसी का सीन बन गया, टिकट अवेलेबल हो गई, तो मैं ट्रेन से वापस आने का ट्राई करूंगा। क्योंकि ट्रेन का एक्सपीरियंस जब ठीक है, जब आए हैं बिना गाड़ी के तो ट्रेन का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है बहुत। तो कोई नहीं, एंजॉय करेंगे ट्रेन में। तो आज अपन हमारी वापसी है, शाम की 11:30 बजे की ट्रेन है एंड वही सुबह 8-9 बजे पहुंचा देगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, कब तक नहीं पहुंचते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बस का एक्सपीरियंस तो ज़्यादा कुछ, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। बस थोड़ा सा ऐसा था कि हाइट का इशू ही था, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हाइट का थोड़ा सा पंगा पड़ गया था। पैर जब मैं पूरा लेटा तो उसके बाद पैर पूरे ठीक ठाक आए नहीं थे, तो थोड़ा सा टेढ़ा लेटना पड़ा। वैसे अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से मैं 7 रेटिंग दे देते हैं। अब सो एक्सपीरियंस वाज गुड। एंड आज ऐसा आज ट्रेन से जाएंगे वापसी, तो ट्रेन का भी दिखाता हूँ मैं। सो मैडम जी कई बार बोल चुकी हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट क्या करें, कोई बात नहीं, और भी वहाँ पे काम है वो भी करने एंड वापस दोबारा लेने आएंगे। लेने का ये सीन रहेगा कि गाड़ी से ही आऊँगा भैया, मैं बस या ट्रेन से नहीं, अपना कार से ही आएंगे। सो आज अब कुछ नहीं है, बस तैयारी करनी है। ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुकी है और मैंने गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करा था, तो मेरे को यार आदत तो वही पड़ चुकी है अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन करने की। सो उसको ना लेके मुझे माफ़ कर दो और गुड आफ्टरनून मेरी एक्सेप्ट कर लो। सो बस अब अभी जस्ट वी हैड लंच किया है हमने एंड अगर कुछ थोड़ा सा मौसम सही रहा, क्योंकि धूप में तो हद से ज़्यादा गर्मी हो जाती है, दोपहर में तो आप कहीं जाना प्रेफर ही नहीं कर सकते। सो बस अब जाएंगे वापस, घर निकलेंगे रात में एंड अगर शाम को मैं कहीं गया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको कहाँ जाता हूँ। सो स्टे ट्यून, मिलते रहिए वीडियो में, मज़ा आता रहेगा। एंड हाँ, और ये देखो रिमोट बहुत बढ़िया काम आ रहा है, यहीं से मुझे बार बार वहाँ पर उंगली मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यहीं से ऑफ यहीं से ऑन हो जाता है, सबसे बहुत यूज़फुल चीज़ है। मंगाओ आप भी, अच्छा रहेगा, जो भी रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है ये। घर की बालकनी विंडो का व्यू है। सो बुगले इस सीज़न में यहाँ पर बुगले बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेड़ पे हद से ज़्यादा बैठे हुए हैं, कहीं भी नज़र मारोगे बुगले ही बुगले हैं। नीचे भी इन्होंने पूरा वाइट वाइट किया हुआ है, इन्हीं का ही है सारा पंख वंख और जो भी अंडे वंडे फूटते रहते हैं, यही एक छत्ते पे चार चार पांच पांच हैं, छत्ता कह रहा हूँ सॉरी, घोंसला। ठीक है वैसे मौसम, धूप नहीं है आज। सो अभी थोड़ी देर अपन गेड़ी मारने आए हैं बाहर, क्योंकि घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और ट्रेन है लेट, 11:30 बजे अराउंड ट्रेन है, तो सोचा क्या करें बाहर चल लेते हैं। अपन दोनों आ गए, अभी भी कार गेड़ी मारने आ गए। आज मौसम अब थोड़ा ठीक हो गया, मौसम एक तो इवनिंग भी हो गई है, क्या टाइम है, टाइम इज 6:30, 6:30 बज गए हैं एंड मौसम बहुत साफ है, तो सोचा यार चलो घूम के आते हैं। खाने का तो कुछ ऐसा प्लान है नहीं, क्योंकि मन ही नहीं है बाहर का खाने का, पेट ऑलरेडी फुल है भैया, जमाई सा है तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है खाने के लिए, तो बढ़िया मौज बनी रहती है। सब्सक्राइबर देखना है गाइस, ये रहा एक सब्सक्राइबर, रोज देखता है मेरी वीडियो, बहुत ही डेडिकेटेड सब्सक्राइबर है मेरा। फीडबैक दे भाई, बता बढ़िया बनाता है, कैसे बनाते हैं बढ़िया पर पूजा बुआ को क्यों नहीं दिखाते? किसको? पूजा बुआ को। पूजा बुआ को ये कौन सी बुआ है? ज्योति बुआ को क्यों नहीं दिखाते? ज्योति बुआ ने और कर रखा है, जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आएंगे, करवा दे 1 लाख फटाफट। उन्होंने तो शायद करा हुआ है, तभी देखता है। ठीक है 1 लाख करवा दे, करवा देगा जल्दी, अपने दोस्तों में करवा देगा। जितने भी जाएगा ना, जहाँ भी जाएगा, जहाँ खेलने का टाइम है ना, इनको सब्सक्राइब कर दे, सबसे करवा देना, देखती हूँ कल तक कितने करवा देंगे। अगर तुमने कल कल में तुमने 100 पार करवा दिया ना, 100 और करवा दूंगा,
70 तो है ही। हाँ तो 30 पार करवा दे, 300 करवा दे, फिर तुझे मिलेगी एक चॉकलेट। करवा देगा, करवा देगा। चॉकलेट क्या लगा हुआ है ये? ठीक है, फिर एक चॉकलेट मिलेगी। मौसम बढ़िया हो रहा है यार, एक बगुला लटकता है सर। कहाँ पे बैठा है ये वाला? नहीं बैठा ही है, मैंने ना लटक गया। मतलब इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा, पर जो सामने दिख रहा है ना, हद से ज्यादा सुंदर। ऑरेंज क्लाउड हो रहे, इधर डिफरेंस देखो, इधर कुछ नहीं है, इधर सूरज नहीं है ना, और इधर देखो इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। इसलिए ऊपर आए थे क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, एंड इतना प्यारा व्यू कैसे मिस कर सकता था मैं। इधर तो एकदम सिंपल कुछ नहीं है, बस हाँ यहाँ पे सोलर ज़्यादा है। देखो अपने वहाँ इतना कोई सोलर प्रेफर नहीं करता, यहाँ देखो इस छत पे भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है, एंड सामने देख लो इधर भी लगे हुए हैं, मैक्सिमम लगे हुए हैं अपने को, और दिख नहीं रहा उधर, उधर भी देखो वहाँ भी लगे हुए हैं सामने, एंड ऊपर से दिखाता हूँ बुलबुले बुलबुले यस आई एम जोकिंग बबुले, पता नहीं और एग्जैक्टली बोलते क्या है, पर यहाँ से देखो ये काले वाले भी बगुले हैं क्या? ब्लैक काले बच्चे होते हैं, व्हाइट भी होते हैं बच्चे, तो मम्मी तो यही कहती है कि ये बच्चे होते हैं फिर ये बड़े हो जाते हैं, पर लगता है ये क्योंकि आपको देखो ये ब्लैक बड़े नहीं मिलेंगे, छोटे ही हैं बस, और हमेशा ऊपर ही रहते हैं। यार कमेंट में बताना, हमें इतना आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है इनकी कि ब्लैक एंड वाइट का क्या है, कि ये बगुले ही हैं या क्या है, जो भी है, बट अगर आपको पता है तो बताओ यार कुछ, पर हमें तो इतना पता है कि ब्लैक बच्चे हैं, पर इतने गोरे थोड़ी हो जाते होंगे बड़े, पर आपको ब्लैक बड़े मिलेंगे नहीं, देखो सिर्फ ऊपर ऊपर रहते हैं, नीचे हाँ तो नीचे से एक भी नहीं दिखता, ऊपर आके तो दिखे ब्लैक, तभी तो बात कर रहे हैं, मगर पहले भी तो कर सकते थे हम ये बात। देखो सामने एक और सोलर पैनल लगा हुआ है, ऑलमोस्ट लगे हुए हैं सामने, देखो वहाँ पे भी लगा हुआ है, हर घर में ही है ऑलमोस्ट सोलर, बहुत मतलब यहाँ पे कॉमन है, लगा ही हुआ है। और इधर का नज़ारा तो कुछ बढ़िया है, इधर देखना एकदम, हाँ जी देखना एकदम गोल्डन गोल्डन, टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा था, सो आप लोग चेकआउट करो, अभी तो खाली सामने सामने था जैसे ऑरेंज ऑरेंज, अभी आप लेफ्ट में देखो, ये देखो आए चिड़िया भी जा रही है बढ़िया, एंड ये देखो आए कितना सुंदर लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है एकदम, और सामने ब्लू है, इधर बैक में सारा ब्लू है, एंड इधर देखो ऑरेंज एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, वाह